ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से करते हैं, ये सबको पता है, इसको क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सबको आइडिया है, इसको कुछ ज़्यादा खास बताने की ज़रूरत नहीं है। ये लेस देन हो गया, और लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू, इनके बारे में ज़्यादा नहीं लिखता हूँ। फिर उसके बाद एक ये स्मॉल ब्रैकेट आएगा, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। फिर एक ये सिंबल आएगा एंड का, इसको हम बोलेंगे एंड का, ये तो स्मॉल ब्रैकेट है, इसको पैरेंथिस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये डॉट 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 का आएगा, ये भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, इसको एलिप्सिस भी बोलते हैं, या फिर इसको एंड सो ऑन भी बोलते हैं, एंड सो ऑन। फिर इसके बाद आता है देयर आफ्टर, या देयर फोर जिसको बोलते हैं, इसको देयर फोर। फिर ये तो आप जानते ही हैं पाई के बारे में, ये पाई हो गया, और ये जो है ये है सिग्मा। पाई और सिग्मा के बारे में बता दूं, पाई जो है वो प्रोडक्ट को भी डिनोट करेगा, कई बार प्रोडक्ट की वैल्यूज लिखी होंगी कई सारे, तो वो पाई का मतलब प्रोडक्ट से होगा। वैसे तो पाई एक खुद एक सिंबल है, लेकिन कई बार पाई का यूज जो है वो प्रोडक्ट के लिए भी करते हैं, और सिग्मा का मतलब होता है समेशन। तो हम बात कर रहे थे यही सिंबल्स की, लेस देन ग्रेटर देन, ये सब तो मैंने नहीं लिखा हुआ इसमें, एंड का भी आपको पता है, स्मॉल ब्रैकेट भी पता है, एंड सो ऑन, देयर फोर। पाई के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा और मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में, क्योंकि आगे आप अभी इसके बारे में और कुछ भी पढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ऐसे नंबर लिखे 1, 2, 3 अप टू 10 तक, तो इसको हम पाई के टर्म में ऐसे लिखेंगे, आगे चल के आगे हम इसको ऐसे लिखेंगे, 1, 2, 3 से लेके 10 है पाई, नीचे लिखेंगे आर इक्वल टू 1 टू 10, और यहाँ लिखेंगे आर। इस आर इक्वल टू 1 टू 10 का मतलब क्या हुआ, कि आर की वैल्यू पहले 1 रखी, फिर मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू 2 रखी, फिर 3 रखी, तो ये इतनी बड़ी सीरीज को 1, 2, 3 से लेके 10 तक को हम आर इक्वल टू 1 टू 10 ऐसे पढ़ते हैं इसको, पाई आर इक्वल टू 1 टू 10 आर, तो ऐसे। सर एक डाउट है हाँ जी बोलिए। सर, ये 10 का फैक्टोरियल नहीं हो गया? बिल्कुल बिल्कुल 10 का फैक्टोरियल हो गया, लेकिन जरूरी नहीं कि, ये तो मैंने कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया 1 से लेकर, हो सकता है मैं 7 से स्टार्ट करूँ, हो सकता है मैं, तो वो वहाँ पर नंबर, सिर्फ मैं ये लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से पाई के टर्म में हम लिख सकते हैं। हाँ वो आपकी बिल्कुल बात सही है, वो इसको हम फैक्टोरियल 10 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। ये सिर्फ मैं एक मेथड बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम इसको शो करेंगे आगे चल के, ठीक है। ये नेचुरल नंबर का है तो इसको बिल्कुल लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जैसे मान लीजिए ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू, ये 100 तक या 10 तक लिखा हुआ है, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू 100, और यहाँ पर आर। तो ये सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ अभी हमको ये बताना है कि सिग्मा और पाई क्या है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, तो अभी सिर्फ ये नोटेशन बता रहा हूँ, बाकी अभी हम करेंगे ये 10 फैक्टोरियल वगैरह, ठीक है। यस सर, ओके चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पाई, हो गया सिग्मा, हो गया, फिर ये आता है नेक्स्ट, आता है एंगल का नोटेशन। तो ये एंगल का नोटेशन भी सभी को पता है कि ये एंगल का नोटेशन हो जाएगा, फिर परपेंडिकुलर, पैरेलल, डिग्री का नोटेशन भी पता है आपको, रेडियन आपके लिए एक नया होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा शायद, तो उनके लिए इसके बारे में हम लोग बात ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। रेडियन सी से डिनोट करेंगे, जैसे 1 रेडियन लिखना है तो 1 सी करके लिखा होगा, 2 रेडियन लिखना है तो 2 सी, तो ये रेडियन हो जाएगा, ठीक है।
और पेंडिकुलर और पैरेलल तो खूब अच्छे से आपने ज्योमेट्री में यूज किया ही है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा पैरेलल। उसके बाद यूनियन और इंटरसेक्शन, यू करके बन जाएगा यूनियन का साइन और ये हो जाएगा इंटरसेक्शन का। ये हम सेट्स में करेंगे। यूनियन का मतलब कलेक्शन होता है, सबको जब एक साथ ले लेंगे तो वो यूनियन हो जाएगा। और ये कॉमन होता है, कॉमन जो ए और बी में जो भी नंबर कॉमन होंगे उनको ले लेते हैं तो वो हो जाता है इंटरसेक्शन। फिर ये जो साइन है ये होता है बिलोंग का साइन, कि अगर कोई किसी से बिलोंग कर रहा है तो फिर इसको हम बोलेंगे इस टाइप से कि ए बिलोंग्स टू एस, ऐसे लिखेंगे ए बिलोंग्स टू एस अगर एस में बिलोंग कर रहा है। या इसको बोल सकते हो इज अ मेंबर ऑफ, ठीक है, अगर कोई किसी का मेंबर है तो पक्की बात है बिलोंग कर रहा होगा, तो ये बिलोंग का साइन हो जाएगा। अगर इसको कट कर दिया तो ये बन जाता है नॉट बिलोंग। एक साइन और आ जाता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं ये सी करके लिखा जाएगा, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। तो ये प्रॉपर सबसेट का साइन है। ये हर साइन जो है हर एक चैप्टर में हमको आगे मिलेगा, अगर हमें पहले से आइडिया होगा तो फिर हमें इतनी प्रॉब्लम इनको समझने में नहीं होने वाली, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट नाम का आइडिया तो हमें रहेगा ही। तो ये प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। अच्छा ये साइन ये कितने लोगों को पता है, ये किसका साइन होता है, वी करके कट कर देते हैं, इसको बोलते हैं फॉर एवरी वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यू या एवरी वैल्यू, या इसको यूनिवर्सल क्वांटिफायर भी बोलते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज जो भी कह दो उसको। इसके बाद इस टाइप का जो साइन होगा इसको हम एंड का साइन भी बोलेंगे, और जो वी टाइप में होगा इसको और का साइन बोलते हैं, ये और का साइन होता है। फिर ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं इस सबसेट ऑफ, और अगर इसी को रिवर्स करके ऐसे बना देते हैं तो इसको बोलते हैं सुपर सेट ऑफ। इस सुपर सेट ऑफ और फैक्टोरियल जैसा इन्होंने बताया अभी अभी आप लोगों ने शायद कम लोगों ने सुना हो या हो सकता है सबने सुना हो, तो ये एक साइन जो है ये फैक्टोरियल का साइन होता है, ये ऐसे बनता है या फिर एल करके ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। और ये जो है स्मॉल डब्ल्यू जो है उसको हम ओमेगा बोलते हैं, ये किसका साइन होता है, ओमेगा का साइन, ठीक है। बाकी आपको पता है गामा थीटा ये जो है वो थीटा का साइन हो जाएगा, इसको हम थीटा पढ़ेंगे। ये सब सारे ग्रीक अल्फाबेट्स आ जाएंगे जी हाँ इसमें। बिल्कुल, अच्छा एक और बता देता हूँ, इसको बोलते हैं डेल्टा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपने यूज किया होगा। एक और आ जाता है फाई, और इसका हम खास यूज करने वाले हैं, ये इंटीग्रल का साइन है, ये आदि मैथ्स में आपको मिलने वाला है, ठीक है, इंटीग्रल का साइन होता है। और एक और होता है डेवर का साइन, इस तरीके से इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, ये है पार्शियल डेरिवेटिव, जैसे डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन का होता है, इसको हम डिफरेंशिएशन का साइन बोलते हैं ना, डिफरेंशिएट करना होता है,
अभी तो खैर आपने नहीं किया होगा, या हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, सिर्फ डी अपॉन डी एक्स मैंने लिख दिया है कि ये डिफरेंशिएशन का साइन है। तो ये इतने साइन हमको आइडिया होने जरूरी है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि हमको ये आइडिया होना जरूरी है, जितने भी हमने ऊपर यहाँ से लिखे हुए, ठीक है। इसमें किसी को और कुछ पूछना है क्या? नो सर। ओके। और देखिए, इसके बाद ये तो हो गया कि सिंबल्स क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। आगे और हमें जो हमें अपना बेसिक आइडिया होना चाहिए वो क्या क्या है, वो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ बाकी लोगों को भी, जो नए उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आपको अगर रेस में शामिल होना है, कि जैसा कि लोग भाग रहे हैं, तो उस रेस में शामिल होने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है अपनी जीत की, उसके लिए आपको टेबल जो है वो बिल्कुल याद होनी चाहिए 1 to 19 तक, ठीक है। अब हमें लगता है कि हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, लेकिन वो सब टाइम वेस्टिंग होता है, वहाँ पर टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो इसलिए आपको 1 to 19 तक टेबल का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। स्क्वायर्स, स्क्वायर्स जैसे कि कई लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने 30 तक, 32 तक, 40 तक लोगों को याद है, बहुत अच्छी बात। जिन लोगों को नहीं याद है वो स्क्वायर्स जो है वो 1 से 32 तक ज़रूर याद करें, और क्यूब जो है एटलीस्ट 1 to 20 तक याद करें, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है कि हम नहीं कर सकते, याद करेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि कई बार अंडर रूट के अंदर स्क्वायर्स आएंगे ना, तो वो हमें पता नहीं होगा, तो हम निकालेंगे उनको बैठ के, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो उससे अच्छा है कि हमें याद होंगे, हम देखते ही पहचान जाएंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसलिए ये बोला जाता है कि आप क्यूब स्क्वायर यहाँ तक जरूर याद करें, ठीक है बच्चों। इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि हमें करना ही करना है, ये मत सोचे क्योंकि हमें नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, तो ये हमें करना ही करना है। और कैलकुलेटर और लॉग टेबल नहीं यूज होगा, नहीं मिलेगा हमको। लॉग टेबल भी स्कूल में प्रोवाइड नहीं कराएंगे, जो मतलब जेई के पेपर में लॉग टेबल भी प्रोवाइड नहीं होगी, और कैलकुलेटर भी आईएससी में था पहले, लेकिन अब जब चूंकि हम जेई की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पर कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। तो इसलिए आप जो है उससे निश्चिंत रहें, वो आदत ख़राब करने वाला ही होता है कि हम छोटे से छोटे प्रोडक्ट में भी फिर हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ करने लगते हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल नहीं करना हमको, अपनी आदत बनानी, एकदम छोटा सा छोटा कैलकुलेशन भी हो तो हमें बिल्कुल फास्ट तरीके से करना है और जल्दी आंसर लाना है सबसे पहले। तो ये हो गई बात हमारी। उसके बाद देखिए, अब बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, जैसे एक जेई में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि पाई -22/7 की वैल्यू क्या होगी, ये भी मैं बात कर चुका हूँ पहले। पाई -22/7 की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा? पाई -22/7 सर मैं बताऊं? हाँ बताइए बताइए, आप बताइए। सर 22/7 पाई से एक्चुअली बड़ा होता है, तो -0.01 के आसपास। जी हाँ, बिल्कुल सही है आपकी बात, पाई और 22/7 दोनों एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते। एक बार जेई ने क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, तो आप जरूर इसका ध्यान रखिए, इनकी बात बिल्कुल सही है। 22/7 की वैल्यू जो है वो 3.142857 ऐसे करके आगे बढ़ती जाएगी, 14। और जबकि पाई की वैल्यू जो है वो 3.14159। तो देखो इन्होंने क्या किया, हमें 10th में ये सिखाया जाता है कि ये दोनों सेम होते हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है। इसके बाद 22/7 अलग है और पाई अलग है, तो पाई -22/7 कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। पाई अलग है और 22/7 अलग है, ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है।
उसके बाद नेचुरल नंबर सबको पता है, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, 1 2 3 से लेके हो जाते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ये भी सबको पता है, 0 1 2 3 से लेकर। अच्छा प्राइम नंबर क्या होता है? सर, जिनके कोई फैक्टर्स ना हो, प्राइम नंबर एक्सेप्ट वन एंड द नंबर इटसेल्फ। कोई इवन प्राइम नंबर बताओ कौन सा होगा? सर ओनली टू। सर टू। ओके बिल्कुल सही है। तो ये प्राइम नंबर का भी आइडिया है सभी को। प्राइम नंबर का मतलब हो गया नंबर डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ। टू जो है वो सिंगल प्राइम इवन प्राइम नंबर है। नहीं वो तो इमेजिनरी सर नहीं है वन वो, तो तो वो तो इमेजिनरी नंबर है। देखो सबसे छोटा नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रैशनल नंबर, फिर रियल नंबर, और इन सब के साथ जो होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है जेड। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। दुनिया में जितने भी नंबर है वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर तुम्हें ये डाउट होता है कि वन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो वन कॉम्प्लेक्स नंबर है, बस इसका ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है। जेड इक्वल टू वन जो है वो कौन सा है? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये बिल्कुल भी मत सोचना है कि जिसमें आयोटा होगा उसी को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलोगे। हाँ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि y की वैल्यू जीरो होगी, तो y की वैल्यू जीरो होने से z इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अगर हम y की वैल्यू जीरो पुट कर दें तो z आ जाएगा, z इक्वल टू एक्स, तो ये प्योरली रियल हो जाएगा, तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। और अगर हम x की वैल्यू जीरो ले लें तो z इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? आई वाई के, तो ये प्योरली इमेजनरी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल भी अपने दिमाग से हटा देंगे कि वन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। सब के बाहर जो सर्कल होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सर्कल है। ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और जितने भी हैं ये सब इसके अंदर आने वाले हैं। यानी जितने भी दुनिया में हम पढ़ते जा रहे नंबर वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रही बात ये? यस सर। सर हाँ जी बताइए। सर जेड तो इंटीजर के लिए नहीं बोलते? हाँ बिल्कुल, जेड को इंटीजर के लिए भी बोलते हैं, आई को भी बोलते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को भी जेड से ही डिनोट करते हैं बेटा। तो कई बार जब ये दोनों साथ में होंगे ना तो जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर से या सी से भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर देते हैं, लेकिन मोस्टली जो है जब तुम पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें जेड ही कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, तब वहाँ पर अगर इंटीजर का कोई यूज होगा तो उसको आई से डिनोट करेंगे। ओके सर। ओके और बताइए, और किसी को कुछ पूछना है? चलिए तो नो ये सर। तो हो गई नंबर्स की बातें। अब जरा कुछ एक दो क्वेश्चंस करते हैं बिल्कुल बेसिक्स वाले, देखते हैं कौन सही इसका आंसर बताता है। एक्स इक्वल टू गिवन है हमको 3 + 3 to the power 1/3, 3 to the power 2/3। देन हमको वैल्यू बतानी है x³ - 9x² + 18x - 12। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी? x की वैल्यू गिवन है और हमको ये वैल्यू बतानी है।
समझ में आ रहा कैसे करेंगे? हाँ यस सर, थोड़ा बहुत हो रहा है। सर इसमें एक्स माइनस थ्री करके होल क्यूब कर देंगे ना, जी हाँ एक्स बिल्कुल, माइनस थ्री और दोनों साइड क्यूबिंग। ओके सर। चलिए बाकी लोगों को भी मैं हैंड दे देता हूँ, क्या करेंगे? सर हाँ बताइए। सर डी आई सर नॉट हुआ सर, वो भी पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। क्या बेटा फिर से बोलो। कैनल सर इसमें सर एक भी ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा मेरे वाले से, मेरे सॉल्यूशन के हिसाब से कैसे किया बेटा बताओ। डी होना चाहिए सर। तो क्योंकि जितने भी जो वैल्यूज जो मैंने पूरा सॉल्व किया जो दी हुई है सर उससे तो नहीं हो रहा मेरा, ओके पता नहीं, एक बार रीचेक करता हूँ। देखो ऐसे करना है, स्टार्टिंग जो है ना हमारा जो रास्ता है हमें जाना किधर से, वो अगर आइडिया होगा तो फिर हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू थ्री टू द पावर 1/3, थ्री टू द पावर 2/3, ऐसे कर लेंगे। हम बिल्कुल भी ये काम नहीं करेंगे कि एक्स की वैल्यू हर एक में पुट करने बैठ जाए, क्योंकि अगर हम पुट करने बैठ गए तब तो फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे ही करेंगे। तो हमने क्या किया, देखा कि यहाँ पर एक्स माइनस थ्री करके थ्री टू द पावर 1/3 और थ्री टू द पावर 2/3 आ गया। अब हमें एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स क्यूब लाने के लिए हमने क्या किया, क्यूबिंग कर दिया बोथ साइड। सर इसका आंसर 0 आएगा सर। तो बिल्कुल सही है आपका सिद्धार्थ, गुड। तो ए माइनस बी का होल क्यूब कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया थ्री टू द पावर 1/3 और ये 2/3 का होल क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी, ये बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी और इंटू ए प्लस बी, बस अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना। एक्स क्यूब माइनस थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा 27, थ्री थ्री जा 9x और थ्री थ्री जा 9x और प्लस का मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, थ्री थ्री जा एक एक लाइन दिखा देता हूँ मैं, थ्री थ्री जा 9x और इंटू एक्स माइनस थ्री, ये थ्री से ये थ्री कट हो गया तो थ्री आ गया, यहाँ से थ्री गया तो ये 9 हो गया थ्री स्क्वायर, और ये थ्री इंटू थ्री की पावर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 प्लस 1/3 और 2/3 3/3, तो ये हो गया भाई 3 की पावर 1 तो ये थी, और ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये भी 3 की पावर 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ से हम एक्स माइनस थ्री पुट कर सकते हैं, तो ये हमने एक्स माइनस थ्री यहाँ पुट कर दिया। तो एक्स क्यूब माइनस 27 माइनस
9x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस, और ये 3 का स्क्वायर 9 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 9, और 3 कितना हो गया 12। अब बस जिसकी हमें ज़रूरत है वो इधर रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। ठीक है, आ रही बात समझ में? एक्स क्यूब माइनस 27 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27, 9 3 27x माइनस 9x और प्लस 9 3 27 माइनस 12। तो ये प्लस 27 और माइनस 27 कट हो गया, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब बताइए अभी भी किसी को उसमें प्रॉब्लम है तो? नो सर, नो प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए क्वेश्चन में तब तक ये लोग नो सर नो डाउट्स। तो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, तब तक दूसरे लोग जो कर चुके हैं वो इसको ट्राई करें। 2 प्लस रूट 3 की होल पावर 3 बाई 2, 2 माइनस रूट 3 की होल पावर 3 बाई 2, इसकी वैल्यू बतानी है क्या हो? ए ऑप्शन 2 रूट 6, 3 रूट 6, बी ऑप्शन 6 रूट 6। और ये नन ऑफ, तो अमनदीप सिंह ये समझ में आ गई बात, ये जो क्वेश्चन हमने पिछला वाला किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर, नो प्रॉब्लम। देवांशी बेटा आपको कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। कैनल? नो सर। सर तो आंसर क्या आया सर? मेरे को थोड़ा लास्ट लास्ट में एक्चुअली मैं इंटरनेट पे। आंसर ये आया बेटा, इन्होंने पूछा था एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12। ये जीरो आया ना सर? इसकी वैल्यू पूछी है क्या होगी, तो आंसर इक्वल टू क्या दिया हुआ है? जीरो, क्योंकि इसको पूरे को सॉल्व किया तो वैल्यू जीरो आ गई, तो आंसर जीरो हो गया। ओके यस सर। चलिए तो अब ये करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये। ये बिल्कुल बेसिक्स की बात हो रही है जो अभी हमने 10 तक किया हुआ है, कुछ भी इसमें खास नहीं कर रहे अभी, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि बेसिक्स का आइडिया कितना सारा है।
सर इसका आंसर 3√6। 3√6। गुड, कैसे करेंगे? सर इसको एक्स के इक्वल टू लेट कर सकते हैं और फिर इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं सर, फिर वो क्यूब बन जाएंगे इंडिविजुअली। ओके, फिर उससे सॉल्व हो जाएगा। देखिए इन्होंने तो क्या किया, इसको इक्वल टू एक्स लेट कर लिया और अपॉन में टू है तो इन्होंने होल स्क्वायर कर दिया बोथ साइड और ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता ही है क्या होता है, तो उससे भी इजीली सॉल्व होके आ गया। थोड़ा सा और अगर हम करें तो देखो, इस दूसरे मेथड से मैं एक और बता देता हूँ आपको। और किसी ने कुछ सोचा है इसके बारे में? सर मैं तो अभी डी ड्राइव कर रहा था, मैंने टू को ए लेट कर दिया, रूट थ्री को बी, फिर ए प्लस बी होल क्यूब प्लस ए माइनस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी देख रहे थे। यहाँ पर ए प्लस बी की होल पावर 3/2 है ना बेटा, तो क्या कर पाएंगे फिर इसमें? तो देखो मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम दूसरा एक अप्रोच और भी समझ लेते हैं। ये तो इनकी बात बिल्कुल सही है कि इक्वल टू एक्स लेट करके स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है, सही है। एक काम आप ये भी कर सकते हो, जैसे 2 प्लस रूट 3 की होल पावर 3/2 है और यहाँ पर है 2 माइनस रूट 3 की होल पावर 3/2, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें देखना, यहाँ समझना जरा ध्यान से। हमने क्या किया यहाँ पर, ये जो 3/2 है इसको अंडर रूट करके यहाँ लिख सकते हैं 2+√3 की होल पावर 3 और ये √2 − √3 की होल पावर 3। किसी की पावर 3/2 लिखी हुई है, जैसे x^3/2 है तो इसको x³ की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं या √x³ की होल पावर 3 लिख सकते हैं, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये अंडर रूट के बाहर क्या आ सकता है, क्या इसका अंडर रूट हम निकाल सकते हैं क्या? तो आंसर होगा नहीं, इसका अंडर रूट तो नहीं निकल सकता है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर दिमाग लगाएं कि हमने क्या किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो देखो अब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 4+√3 और अपॉन में √2 कर लेते हैं क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया था तो √2 हो गया। अब जरा ये देखो, क्या ये होल स्क्वायर बन सकता है क्या? ऊपर वाला 4 को हम अगर ऐसे लिख दें 3+1+√3 और अपॉन में √2 तो चल ही रहा था, तो ये बन गया a² + b² + 2ab। तो क्या अपन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a + b² / √2? ये इससे देखो कट हो गया तो ये आ गया √3+1/√2। हमने 2+√3 से स्टार्ट किया था और ये आ गया हमारा √3+1/√2। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या किया हमने यहाँ पर, हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया पूरे अंडर रूट के अंदर, ऊपर बन गया 4+√3 अपॉन में √2 चल ही रहा है। 4+√3 को हमने a+b के होल स्क्वायर से कंपेयर करके a² + b² + 2ab का फॉर्म बना के a+b का होल स्क्वायर लिख दिया, तो ये बन गया √3+1 और अपॉन में आ गया है √2। तो क्या हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये जो वैल्यू है ये, इसको हमने लिख दिया √3+1/√2³ और ये बन गया √3 − √2³। और बस अब a+b का होल क्यूब डायरेक्ट अप्लाई कर दो, सॉल्व होके आंसर आ जाएगा, अब शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और √2³ जो है वो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, √2³ बाहर आ गया, ये बन गया √3+1³ और ये बन गया √3 − 1³। तो ऐसे भी कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे भी करें, बस आंसर सही आना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
बेटा सर आप प्रीवियस क्वेश्चन का लास्ट दो तीन लाइन कर सकते हैं? कौन सा? अच्छा सर प्रीवियस क्वेश्चन की लास्ट दो तीन बस सर। ओके सर डन। तो अब हो जाएगा इसके बाद जो इन्होंने आंसर बताया 3√6 बिल्कुल सही है इनका। हो जाएगा इसके बाद कि करो इसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब बस ओपन करना है और a माइनस बी का होल क्यूब आंसर 3√6 आ जाएगा। कर लेंगे सारे लोग इसके बाद। यस सर। ओके ओके चलिए तो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ एक्स इक्वल टू 5 + 2√6 और कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है 2√x / x-1 देन हमको वैल्यू बतानी है 10² θ + cos² θ। a1 b 3/2 c2 और d none of these। x की वैल्यू 5 + 2√6 है, cos थीटा की वैल्यू 2√x / x-1 है, हमें 10² θ + cos² θ की वैल्यू बतानी है क्या है? करो इसको भी करो जल्दी से आंसर बताओ फिर। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब कितने लोगों को पता है? इससे इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब कितने लोगों को आइडिया है? यस सर याद है। याद है तुम्हें? हाँ सर सर मुझे भी। ओके और बाकी लोग? नो आइडिया सर। नहीं आइडिया सिर्फ ए प्लस बी होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ही आइडिया। ओके तो लिख लेंगे, जिन लोगों के लिए नया है वो लिख लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स
ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो पता ही है सभी को। यस सर, फिर 2ab, टू पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर 2ab 2bc 2c है। और एक ये वाला फॉर्मूला जे का फेवरेट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ये भी सबको पता है, 9th क्लास में किया हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और सिर्फ इतने पार्ट का भी कई बार जेई ने यूज किया है, इसलिए इसको मैं इंडिकेट किए दे रहा हूँ बार बार। इसको हम लोग ऐसे भी लिख पाएंगे, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये एक अलग, इसको ऐसे ही आप याद रखें। तो ये तीन फॉर्मूले सर काम के हैं। हाँ जी बताइए सर, ऊपर का क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या थे? 1, 3/2, 2 और 9। सर मेरा नन ऑफ दी अबव है। एक्चुअली में जो नन होता है ना, ये बहुत खतरनाक ऑप्शन होता है, ये किसी का आंसर होता नहीं लेकिन हमें सबसे ज्यादा अपना लगता है, क्योंकि कहीं पर भी हम फंसते हैं तो हमें लगता है कि यार यही वाला आंसर होगा। थोड़ा ट्राई करो और देखो एक बार, ये खतरनाक ऑप्शन है, ये हमेशा अपना लगता है लेकिन होता नहीं कभी भी अपना, धोखेबाज है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सब बिल्कुल बेसिक्स है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि सबको पता है। ये तीन और ऐड कर लेंगे आप लोग अपने मेमोरी में। और किसी का आया इसका आंसर? तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, पिछले बार तो थोड़ा भी हो रहा था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, बस मैं ऐसे ही दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए किस टाइप के क्वेश्चन। सर हो गया, सॉल्व आ गया। हाँ सर, 2 आ रहा है अब। 2 आ रहा है। हाँ सर बता दो कैसे किया। सर वैल्यू डाल दी, कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकल गई और साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस होल रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर तो 10 स्क्वायर है ना, 10 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। सिद्धार्थ सर, सर एक चीज भूल गया था सर। ओके ओके चेक करो। हाँ सिद्धार्थ कुछ सर, प्लस 1/2 करना भूल गया था, अब 3/2 आएगा। अब 3/2 आ गया। हाँ सर, अब फाइन में प्लस 1/2 करेंगे तो 3/2 कैसे आएगा? ना तो वापस भेज लेते हैं। नहीं नहीं कैसे किया बताओ, मुझे बताओ तो। बोलो हर्ष, तुम तो चुप हो गए एकदम, बोलो। सर अटक गया थोड़ा मैं। नहीं सही है, तुम बोलो तो मिटा, सही है बोलो। चलिए मैं बता देता हूँ, अच्छा कोई बात नहीं।
बाकी लोगों ने भी ट्राई कर लिया, सबने देख लिया, नहीं हो रहा। देखिए फिर से एक बार लिख देता हूँ इसको मैं यहाँ पर। x की वैल्यू हमारी जो है वो गिवन है 5 + √6, और cos थीटा की वैल्यू गिवन है 2√x/(x-1)। तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2√5 + √6 होल डिवाइडेड बाई 5 + √6-1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 times। अच्छा यहाँ पर अंडर रूट के अंदर वाले को देखो, यहाँ पर 2ab भी लिखा हुआ है और a² + b² अंदर वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है ये, कौन बताएगा? ये अंडर वाला किसका परफेक्ट स्क्वायर है? अगर हम ध्यान से देखें तो ये 5 + √6 लिखा है और फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, यानी a² + b² 5 आना चाहिए और 2ab की वैल्यू 2√6 आनी चाहिए। सर √3 और √2। हाँ बिल्कुल सही है। तो √2 + √3 का जैसे ही आप होल स्क्वायर करेंगे तो देखेंगे आपको यही मिलने वाला है। और नीचे क्या आ जाएगा, 5 - 1 = 4 + √6, और ये स्क्वायर से अंडर रूट कट कर दिया। तो 2 times √2 + √3 हो गया यहाँ पर। और अपॉन में देखो क्या होगा, इस 4 को अपन लिख सकते हैं ना 2 × √2 × √2 ऐसे लिख सकते हैं, और 2√6 को 2 × √3 × √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 2√2, कॉमन दिख रहा है ना 2√2, 2 और √2, तो ये बन गया √3 + √2। ये देखो कट हो गया, और ये 2 से 2 कट हो गया, तो वैल्यू आ गई 1/√2। कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2, तो थीटा कितने डिग्री होता है? 45 डिग्री, सबको पता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था tan²θ + cos²θ, तो tan² 45 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री, tan 45 1 cos 45 1/√2 का स्क्वायर, तो 1 + 1/2, तो 3/2 आंसर है। और इसीलिए मैं कह रहा था बताओ कैसे किया है। सही आंसर 3/2। कोई प्रॉब्लम अभी भी समझ में आ रही है इसमें? No, sir, got it. चलिए एक इजी सा क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करो। x²-4x + 1 = 0 है, देन हमको वैल्यू बतानी है x³ + 1/x³ की। x²-4x + 1 = 0, देन x³ + 1/x³ की वैल्यू बतानी है। a है 76, b है 62, c है ऑप्शन में 72 और d है 52। ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये सर्ट से रिलेटेड है, इसको बोलते हैं सर्ट, अंडर रूट, क्यूब रूट, क्योंकि बेसिक्स में ये सारे के सारे आते हैं। कई बार क्वेश्चंस में हम अंडर रूट में और क्यूब रूट में जाके फंस जाते हैं।
सर हाँ बेटा सर ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x है सर, वो प्लस 2 होना चाहिए आई थिंक, 1 की जगह। तो क्यों, सर ये तो होगा ही नहीं, तो फिर वो 1 अगर 2 होता तो फिर कैसे करते? सर 2 होता तो इजी हो जाता, क्योंकि सर 2 है तो सर माइनस सर 52 डी। बिल्कुल सही है, गुड, 52 आएगा, करेक्ट है तुम। ये सब मेरा भी 52 आ रहा है। ओके तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इसको कंपेयर कर दिया हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 4 और सी की वैल्यू 1 आ गई। माइनस बी तो प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये बन गया 4 प्लस माइनस 16 माइनस 12, 16 माइनस 4 12 हो गया, तो 12 अपॉन 2। और 12 को हमने क्या लिख दिया, 4 थ्री ज़ा 12 और 4 से 2 बाहर आ जाएगा, 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, 2 कॉमन लेके कट कर दिया तो 2 प्लस माइनस रूट 3, ये एक्स की वैल्यू आ गई। तो अगर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर कर लें कि एक्स की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है, तो अब हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब चाहिए। तो बस अब बहुत ईजी हो गया, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू और निकाल लेते हैं। अगर एक्स 2 प्लस रूट 3 है तो 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 हो जाएगा। तो ये 1 बाई एक्स की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 आ गई। एक्स पता चल गया, 1 अपॉन एक्स पता चल गया, क्यूब करके ऐड कर दो या ए प्लस बी का होल क्यूब लगा दो, जैसा चाहो वैसा। सर हाँ बेटा, सर मैंने थोड़ी अलग मेथड, बताओ सर मैंने 4x को इस साइड ले लिया, फिर पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया, किससे, फिर क्यूब इन बोथ साइड्स 8 से डिवाइड, x से x x से x से डिवाइड कर दिया, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4x। ओके फिर पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया, प्लस 1 बाय x इक्वल टू 4 क्यूब इन बोथ साइड्स, क्यूबिंग कर दिया बोथ साइड। यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है सभी को? और किसी को कुछ कहना है या पूछना है, कुछ बताना है? नो सर। ओके चलिए तो एक और लिखते हैं फिर।
ए टू द पावर 1/3, बी टू द पावर 1/3, सी टू द पावर 1/3 जीरो है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू बतानी है क्या होगी। बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया है मैंने, जल्दी आंसर चाहिए। पहला ऑप्शन है 3abc, दूसरा है 9abc, 27abc, 81abc। आ रहा है कुछ समझ में, कैसे करेंगे कि नहीं? यस सर, 2 मिनट्स प्लीज। हेलो, आवाज आ रही मेरी? यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूँगा मैं क्वेश्चन में, नहीं तो फिर तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, सॉरी यस सर, ऑप्शन सी सर, सॉरी। हाँ अब सही है, अब आया है ना, क्योंकि तुम यस सर 27abc। बिल्कुल सही, वो गड़बड़ लिख दिया था मैंने, तभी नहीं आ रहा था। ये वही है सेम जैसे हमें नाइन्थ में नहीं पढ़ा था कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc की इक्वल होगा अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो वही मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ मैंने की है लग रहा है, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, सभी लोगों का आ गया कि किसी को प्रॉब्लम है इसमें? क्लियर हो रहा सभी? नो सर, आ गया। हमें करना क्या है मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ बाकी लोगों को जिनका नहीं आया होगा। बस यहाँ पर इसको दो को एक साइड और एक को उधर ले जाना है, Q
क्यूबिंग कर देते हैं, वो पूरा डेरिवेशन ही होता है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3ABC की इक्वल कैसे हो जाता है। तो ये क्यूबिंग जैसे ही करोगे आप, तो ये बन जाएगा ए की पावर 1/3 और बी की पावर 1/3 का होल क्यूब, और ये माइनस सी की पावर 1/3 का होल क्यूब, और बस यहाँ पर अप्लाई कर दो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB और इंटू ए प्लस बी, तो ए की पावर 1/3, बी की पावर 1/3, और ये माइनस सी आ जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है वो फिर माइनस सी पुट कर देंगे, और सी को इधर LHS में ले आएंगे और इसको RHS में शिफ्ट कर देते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3A^3, B^3, और ये ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 1/3 माइनस सी की पावर 1/3 है, तो ये सी की पावर 1/3, और बस क्यूबिंग कर दिया बोथ साइड, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब जो है वो आ गया 27ABC। चलिए एक क्वेश्चन अभी मैंने इस टाइप की बात की थी, तो एक और ये क्वेश्चन है, जरा इसका आंसर बताएं। 4+√15 की होल पावर 3/2, 4-√15 की होल पावर 3/2, (6+√35) की होल पावर 3/2, -6-√35 की होल पावर 3/2। इसका आंसर बताना है क्या? 4/13 ए ऑप्शन में, 7/6, 7/13 और नन ऑफ दिस। ये तीनों जो है वो सेम रेडियस के हैं और इनकी वैल्यू 1 है, इसकी भी रेडियस की वैल्यू 1 है और इसकी रेडियस की वैल्यू भी 1 है, तीनों सेम सर्कल है, सेम रेडियाई के हैं, तीनों की वैल्यू 1 है, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? दूसरा वाला भी है, कुछ क्वेश्चंस हैं मैं नोट कर देता हूँ, फिर उसके बाद
इसको डिस्कस करेंगे हम। ये लिख लिए दोनों क्वेश्चन आपने? यस। ओके, कुछ और भी है मैं होमवर्क के तरह नोट कर देता हूँ, फिर अगर टाइम मिलता है तो बात करते हैं अभी। x1 less than x2 and x1 x2 are the roots of the equation x2 minus 26x plus 120 equal to 0, then under root of x1 plus under root of x2, इसकी वैल्यू बतानी है क्या? रूट फाइव प्लस वन, रूट फाइव प्लस टू, रूट थ्री प्लस रूट टू और रूट फाइव प्लस रूट थ्री। a plus b upon 2a, a minus b upon 2a, a square plus b square और a square minus b square। If x equal to under root a plus 2b plus under root a minus 2b, यही सेम वैल्यू माइनस में, देन हमको ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट हो।